क्या हुआ रे भाई, पढ़ लिया पूरा? अरे नहीं, एग्जाम्स का रिवाइज करता था। हाँ जी, तुम पढ़े? हाँ रे, पढ़ लिया पार्टी। हाँ हाँ, आशिका माले थे बैठे हुए? नहीं रे। या ओखा माले थे बैठे थे? अरे रात भर बैठ के मौत डाल दिया रे, खाली लिखा पढ़ा, खाली दिमाग में, खाली एग्जाम हॉल में जाना। हाँ। दिमाग का लेके खाली छाप के आ जाना, देखना है। देखेंगे। चलो चल रे भाई, चल तू, चल, टाइम हो रहा, चल चल। अरे पढ़े तो आया ने, क्या करूं? अरे ने अच्छा लिख रहा रे ने गांव वाला, थोड़ा इससे बता बोलेंगे। अरे पार्टी, पार्टी की जी, थोड़ा बताओ पार्टी। अरे अभी तो बोले ना जी, मौत डालते बोल के, और वो टकलू देख लिया तो मेरे को मौत डाल देता जी भाई। अरे पढ़े तो कुछ भी नहीं आ रहे भाई, और बर्थडे में यहाँ सो रहे रे, बता रे। तो दोस्त नहीं है रे मेरा, बता रहे। जल्दी देखो जी। अबा पूरा लिख लिया रे ने, खाली बैठ के राइटिंग जमा हुआ था कर रहा, लिख ले तो ठहर पूरा जल्दी जी। हाँ पूरा हो गया। हाँ ओके पार्टी, चलो। हाँ पास हो जाता हूँ मैं, पासिंग भी आ गए तो बस से। अच्छे मार्क्स आते देखा अपने को अब। अरे सराय सराय, इलियास, इलियास। ये सर, तुमको 5 में से 4 मार्क्स है। यस चट गया। जी सर। तुमको 5 में से 2 मार्क्स है। हाँ सर, सिर्फ 2 मार्क्स? ये ना इंसाफी है सर, इसको 4 मार्क्स, मेरे को 2 मार्क्स। काई को, तुम ऊपर से आए क्या? तुम जो लिखे वो मार्क्स देंगे ना? सर सर, इलियास चीटिंग मार के लिखा सर मेरे से। अरे ठहर, तेरा बता दो। इलियास पूरा कॉपी करके लिखे तुम? अरे चिच्चा, तुम देखेगा मैं कॉपी करा तो बैगन के बात कर रहे क्या मेरे साथ? बैगन में मिला तो तुम्हाकू, पिंडी के बात नहीं करना मेरे साथ। बैगन पकड़ के सो गए एग्जाम हॉल में, अब पिंडे के बात करेगा? खामोश चलो जाओ, क्या सबूत है मैं कॉपी करा तो? क्या रे तुम लगा मेरे को बैगन उगन गिन रहे? तुम दोनों के मार्कशीट ही फाड़ देते हो, जाओ तुम क्या कर लेते कर लो, जाओ। 0 डाल देता हूँ, पूरे को फाड़ दिया, जाओ 0 डाल देता हूँ। सर सर, मैंने क्या किया सर? 0 मार्क्स क्यों डाले सर आप? ठहर रहे सर, डाल दिया ना तुम 0। अब देखो तो मैं कैसा बैगन में मिला तुम, 0 डालने को डाल दिया तुम। चलो तुम अब हैदराबाद की अदालत में, अब वहाँ तुम्हारा कैसा काम कर तुम, चल रहे चल चल उधर। हेलो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर, स्टूडेंट्स ने सर पर केस कर दिया है, आइए इस केस की हकीकत जानते हैं। ये देखिए गांव वाला आ रहा है, बताइए आपने सर के ऊपर केस क्यों किया? मैम हम गांव से आए मैम, हम एग्जाम लिखना है मैम, हमारे को 2 मार्क्स दिए, इलियास को 4 मार्क्स दिए मैम, हम अदालत में देख लेते। अरे रुकिए, क्या बोल के चले गया है? सुनो। हाँ बोलिए। सर के ऊपर केस कर दिया तुमने? हाँ नहीं, हंसी कह गुआरी तुम्हारे को, कह को डरूंगा मैं उससे? हंसी का काम क्या करा, बैगन में मिलाता हूँ इसको, जाके देखो तुम। सर आपके ऊपर स्टूडेंट्स ने क्यों केस किया? हाँ वो दो दीवाने केस कर दिए गए थे, अदालत में जाके देख ले तो क्या होता। मैं स्वाति, कैमरामैन सत्यम के साथ, हैदराबादी स्टार न्यूज चैनल के साथ। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम, हैदराबाद की इस अदालत में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक अजीब और गरीब केस के साथ यहाँ पर पेश हो रहे हैं। एक ऐसा केस जो एक स्टूडेंट्स ने अपने सर के ऊपर कुछ कम मार्क्स आने की वजह से, 0 मार्क्स आने की वजह से केस कर दिया है। आइए इस केस की हकीकत से जुड़े हम अपोजिट स्टूडेंट से मिलते हैं। गयाजली प्लीज कम। सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। जनता को बताइए कि आपने अपने सर के ऊपर केस क्यों किया, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से आपको 0 मार्क्स मिला और आपने अपने सर के ऊपर केस कर दिया? मैम हम गांव से आए मैम, हम गांव में अच्छा पढ़ते मैम, हम टॉप पे भी आते, हम हैदराबाद आए एग्जाम लिखने, हमारे सर है ना मैम करेक्शन गलत करे, हम इलियास के साथ पढ़े मैम,
इलियास को 4 मार्क्स है मैम। मेरे को कॉपी मार के 4 मार्क्स है, मेरे को सिर्फ 2 मार्क्स है मैम। 2 मार्क्स। ओके 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 रिलैक्स, तो इस केस की वजह इलियास है। ओके, अभी इस केस की सच्चाई तक जाते हैं और बुलाते हैं इलियास को। इलियास प्लीज कम। कह रहे रे रोरा, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज उठिए, कहीगू स्टैंड अप, बैठिए यहाँ। क्या पोजा मार रही रे ने, अच्छे बच्चे दिखेगी ने, बाजू बिठा ली थी क्या? रो रहा रे रोती सूरत, पप्पी है तुम तो। तो इलियास बताइए, आपने सर पर केस क्यों किया? तुम्हें शर्म नहीं आई एक मासूम इंसान से चीटिंग करते हुए? तुम अपने बलबूते पर मार्क्स नहीं कमा सकते थे? मैडम, चीटिंग मानना गुनाह है, तो मेरे को बताओ क्या, किसी का मर्डर करा, किसी का हाफ मर्डर करा, किसी के घर में जाके चोरी करा, का स्नैचिंग करा, कुछ छीन लिया क्या? मैं जो पढ़ा रात भर मौत डाल दिया, मैं पढ़ पढ़ के आखिरी चिंदिया पढ़ लिया। मैं दिमाग में था जाके जिरॉक्स कर लेंगे, सोचा IAS नहीं पढ़े तो क्या करूं, फेल होके आ जाऊं। मेरा दोस्त है ये, है नहीं है, जरा बताओ थोड़ा बोला, थोड़ा कॉपी करा। वो बैगन के वाले सर पेपर सही करेक्शन नहीं करे, सही करेक्शन करे तो दोनों को बराबर आते थे। इसको 4 आते थे, मेरे को 3 आते थे, मेरे को 4 आ गए, इसको 2 आ गए। बैगन पकड़ के सही नहीं करे करेक्शन, बोले तो बैगन के बात करके 0-0 डाल दिए, इसलिए बैगन में बुलाया मैं इनको, बुला इसको इधर देख लेंगे। तो चलिए इस केस से सच्चाई जुड़ी हुई उस सर को बुलाते हैं, उन्हीं से सारी सच्चाई पूछते हैं। हनीफ सर आइए इधर। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए यहाँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ, इन बच्चों ने आप पर केस कर दिया है। ये बच्चे रात दिन पढ़कर आपके कॉलेज में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, और आपने इन बच्चों को 0 मार्क्स देकर फेल कर दिया है, ऐसा क्यों सर? ये दोनों शरीफा दिखे तुमको, चोर है ये दोनों। ये गाँव वाला तो दलिंदर है, देखो कल से रो लेके बैठा। वो इलियास है ना, वो भी देखो कैसा है, उन्हें देखो मेरे को बैगन में मिला देता हूँ, बोल रहा बैगन का बाल है उन्हें। प्लीज आवाज, अरे चुप बैठो जी, तुम क्या मेरे को सर सर बोल रहे हैं? उसको 0 डाला 0 डालता, क्या कर लेता कर लो, बोलो तुम क्या मेरे को सुना रही? अरे चुप माठी, मेरे जब से देख रहे बैठो आखिर क्या है ये, मेरी अदालत में आकर मुझे चुप बैठने को कह रहा है? अगर दोबारा ऐसा चिल्ला तो तेरे मुँह में मट्ठी पड़ो बोलती हूँ। समझते क्या है अपने आप को? सही हो आके कमीना पुट्टो के तरफ से दीवानी पुट्टी मेरे को बातें कर रहे, ठहरो रे, अब बता तो सुनो, दोनों को छोड़ दो ना। अरे क्या बोल रहे जी तुम, उम्र का लाश दे रहा हूं नहीं तो फोड़ दे तू तुम्हारी। बैगन के बातें करेगा, बैगन में मिला रहे हो, क्यों लड़ो, क्यों लड़ो तुम काजी हो, काजी हो, कीजी की फिर से लड़ाई शुरू की जी। अरे बुड्ढे बैठ रे, हैदराबाद बैठ रे, गवाले बैठ जी, कावा रे क्या बैठ रे, सर 500 के जाए यहाँ से, ठहर रे बुड्ढे, तेरे को दे दे तो ठहर। माय गॉड, पता नहीं कौन से चिड़िया घर से आ गए ये लोग, जब से देखो बैगन में मेरा खून गरम कर दिया रे, गया रे आज से, गया रे बुड्ढे तू देख ले। सुनिए, ये लड़ाई झगड़ों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इसमें नुकसान आप तीनों का है। आप एक सर हो, ये आपके बच्चे जैसे है, इनकी गलती को समझिए, समझ कर इन्हें माफ कर दीजिए। आप एक बार फिर से इनका एग्जाम लीजिए, इनके पेपर ठीक से करेक्शन कीजिए, इससे इनको भी खुशी मिलेगी और आपका भी नाम खराब नहीं होगा। और आप लोग फिर से एक बार एग्जाम दीजिए, अपनी हिम्मत से एक हिम्मत कीजिए, फिर से एक बार अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए पास होने के लिए। ये सर है, ये हमारे माँ बाप की तरह है, इन्हें गुरु का दर्जा दिया जाता है, इनसे माफी मांगिए और फिर से एक बार एग्जाम दीजिए, इंशाल्लाह इस बार आप लोग एग्जाम में जरूर पास होंगे। हम दुआ करेंगे कि आपके एग्जाम अच्छे आए और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, ठीक है? तो आप लोग अपने दिल से जो भी बुराई है वो निकाल दीजिए और सर से माफी मांग लीजिए, और सर आप भी इन्हें अपने बच्चे समझकर माफ कर दीजिए। समझ गए ना आप लोग? तो देखा आपने, ये आज का केस था एक सर और स्टूडेंट्स के बीच में, जो आज सॉल्व हो चुका है। तो देखा आपने, ये था आज का हमारा शो। आपको हमारा ये शो कैसा लगा?
आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा। अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा चैनल है हैदराबादी स्टार्स चैनल। हम अगली बार फिर से आपके सामने पेश होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।